व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मैडम एंड योर ओजे फिटनेस। तो आज बात करने वाले मसल ब्लेज रो वे प्रोटीन के बारे में पूरा पूरा बात करेंगे कि वो कैसा प्रोटीन है, उसके बारे में पूरा पूरा बात करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि उसके बारे में रिव्यू बनाओ, तो ये आ रहा है ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना, आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मसलब्लेज वे प्रोटीन को मैंने एक महीना यूज किया, यहाँ पर मेरे पास उसका बॉक्स पड़ा है, तो ये आप देख सकते हो, मसलब्लेज वे रो वे प्रोटीन। तो ये मेरे पास, ये मैंने 1 किलो का मंगाया था, तो ये 1 किलो का पैकेट है, ये पड़ा था मुझे। इसकी पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये पड़ा है मुझको 1250 रुपीज़ का, मतलब 1250 रुपये का मेरे को ये 1 किलो का पड़ा है। इसमें टोटल 33 सर्विंग्स आपको मिल जाएगी, एक स्कूप में आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, इसका एक स्कूप 30 ग्राम्स का, और उसमें आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, और इसकी जो अमीनो प्रोफाइल होती है जिसकी वजह से हमारी मसल बिल्डिंग हो पाती है, तो वो भी बहुत ही अच्छी अमीनो एसिड प्रोफाइल है, वो काफ़ी अच्छी है। हमारा जो तीन जो मेन अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं हमारे लूसिन, आइसोलूसिन और वेलिन। तो हमारा इसमें लूसिन है 2.56 ग्राम, आइसोलूसिन है 1.36 ग्राम और वेलिन है हमारा 1.38 ग्राम। तो ये 2:1:1 का रेशियो इसमें होना चाहिए, तो ये इसमें परफेक्ट है। तो ये अमीनो एसिड प्रोफाइल इसकी काफ़ी अच्छी है, और बाकी सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें मेंशन किए हुए हैं, और काफ़ी अच्छी इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल है। अब एक और इसका एक अच्छा पॉइंट निकल गया था, वो है हमारे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड किए हुए, मतलब पेपेन और हमारे ब्रोमेलिन इसमें ऐड किया हुआ है, पाइनएप्पल और पपाया से ये दो जो एंजाइम निकलते हैं वो आपकी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आपकी जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से होती रहेगी। तो इसके लिए ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि इसमें हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रेजेंट है। तो काफ़ी सारे जो हमारे रो वे प्रोटीन आजकल मार्केट में मिल रहे हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। और एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है, वो है हमारा इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कोई भी एडिटिव्स और कोई भी फिलर्स ऐड नहीं किए हुए, और कोई भी इसमें आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा, आपको एक अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन ये मिलता है, तो इसमें आपको कोई भी फ्लेवर नहीं मिलेगा, बिल्कुल रॉ फ्लेवर है। लेकिन जो नॉर्मल जो मैंने इसके पहले एसिटिस भी खाया था उसका टेस्ट ठीक था, मतलब न्यूट्रल टेस्ट था, ये इसका टेस्ट मुझे खराब लगा था, ये इसका माइनस पॉइंट भी है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मसलब्लेज की तारीफ ही करूँगा, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट वो भी है कि वो जो न्यूट्रल टेस्ट होना चाहिए उससे बहुत मेरे को खराब लगा। तो टेस्ट वाइज ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता, मतलब इसका बकवास टेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है इसकी मिक्सिबिलिटी के बारे में, तो मिक्सिबिलिटी में काफ़ी अच्छा ये वे प्रोटीन है, और इसमें काफ़ी कम प्रोटीन के ग्रेनुल्स बच जाते हैं, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें ग्रेनुल्स नहीं बनते, और इसकी मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अच्छी मिक्सिबिलिटी होना एक प्योरिटी की निशानी है, तो ये काफ़ी एक अच्छी मिक्सिबिलिटी के साथ आता है। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इससे हमारा वेट गेन होगा कि नहीं, वे प्रोटीन से हमारा वेट गेन होगा कि नहीं। तो इसका मैं साफ साफ आपको जवाब देता हूँ कि इससे आपका वेट गेन नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, आपका जो वेट है वो आपका सिर्फ वे प्रोटीन की वजह से गेन नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लो, मान लीजिए आपने पूरे दिन में 5-6 स्कूप वे प्रोटीन के ले लिए, लेकिन इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक आपकी जो कैलोरीज है वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर, कैलोरी सरप्लस में आप नहीं हो, तब तक आपका जो वेट है वो नहीं बढ़ने वाला। कुछ भी कर लो, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन जब आप कैलोरी सरप्लस में नहीं होंगे तब आपकी वेट नहीं बढ़ेगा। कोई भी सप्लीमेंट खा लो, नहीं बढ़ेगा मतलब नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो कैलोरीज है वो ज़्यादा खाना शुरू कर देनी है। और अगर आपको वेट गेन के लिए पूरा जो वीडियो देखना है तो मैं इधर ऊपर डाल दूंगा एक वीडियो, तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया वेट गेन के बारे में, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, तो आप वहां से जाके चेकअप कर सकते हो और अपना वेट बढ़ा सकते हो। तो प्रोटीन से आपका वेट गेन नहीं होगा, ये आपकी जो प्रोटीन की गोल है, प्रोटीन क्या करता है, आपकी जो मसल को रिकवर करता है। अगर आपकी मसल रिकवर ही नहीं होगी तो आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी। जिम में जाके आप अपनी मसल्स को तोड़ते हो तो उसे रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप प्रोटीन का यूज करते हो। प्रोटीन आप काफी सारे सोर्सेज से ले सकते हो, मतलब एग्स हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, उसमें से ही एक सोर्स है हमारा वे प्रोटीन। तो इसमें कुछ हवा नहीं है, कुछ खराब चीज़ नहीं है, और कुछ इसमें ऐसा जादू नहीं है कि आपकी मसल बिल्डिंग फटाफट से हो जाएगी या फिर आपका जो वेट है वो आसानी से गेन हो जाएगा। ये एक कन्वीनियंस की बात है कि आपको काफ़ी इजी रहता है कि एक स्कूप आपने पानी में डाला और आपने आराम से प्रोटीन घटक लिया, तो ये एक आसान सी बात आपके लिए हो जाएगी और ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए।
अब बात करते हैं कि आपको वे प्रोटीन को लेना कैसे है। तो अगर आप इसे वर्कआउट के बाद ले रहे हो, मतलब अगर आप बिगिनर, तो आपको पूरे दिन में मैं एक स्कूप सजेस्ट करने वाला हूं। तो अगर आप पूरे दिन में एक स्कूप ले रहे हो तो आपको वर्कआउट के बाद लेना चाहिए, और अगर आप वर्कआउट के बाद ले रहे हो तब आपको पानी में लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी, और जब आपकी डाइजेशन फास्ट होगी तब आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। तो आपको इसे अगर आप वर्कआउट के बाद ले रहे हो तो आपको पानी में लेना है, और अगर किसी भी टाइम पूरे दिन में किसी भी टाइम अगर आप वर्कआउट के बाद, मतलब प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट को छोड़कर कभी भी आप इसे ले रहे हो, तो आपको एक वे प्रोटीन स्मूदी बना लेनी चाहिए। अगर आप फैट लॉस डाइट में नहीं हो और आप वेट गेन करना चाहते हो, तो एक मेरे पास रेसिपी भी पड़ी हुई है, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि एक ग्लास आपको मिल्क ले लेना है, दूध ले लेना है, उसके साथ आपको एक वे प्रोटीन का स्कूप डालना है, इसके साथ एक स्पून आपको पीनट बटर डाल देना है, उसके साथ आपको एक मैंगो और एक बनाना डाल देना है। इस शेक में आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी, और हमारे वेट बढ़ाने के लिए आपको कैलोरीज ही चाहिए होगी। तो आप इस शेक को ट्राई कर सकते हो, जिसमें 60 ग्राम्स के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगी, और आपको 32 ग्राम्स के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और फैट्स भी आपको पीनट बटर की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये एक ख़तरनाक वाली स्मूदी, इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो मैं आपको लास्ट आंसर क्या बताऊंगा कि आप वे अपना जो मसल ब्लेज वे प्रोटीन है उसे आराम से ले सकते हो, आराम से, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, और प्लीज़ फेक सप्लीमेंट से बचें। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप मसल ब्लेज का वे प्रोटीन वहाँ से बाय करते हो तो इस चैनल को सपोर्ट होगा, और जिसकी वजह से मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। अब सबसे मेन जो सवाल आता है वो काफ़ी सारे लोग इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछने वाले हैं कि एज इट इज़ बेटर या मसल ब्लेज, और इसके लिए मैं फटाफट से एक और वीडियो लाने वाला हूँ। तो दो तीन दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैं कंपेयर करूँगा एज इट इज़ वे प्रोटीन और मसल ब्लेज वे प्रोटीन को। तो काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसके बारे में पूरा वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। तो दो तीन दिन में उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो ये था हमारा मसल ब्लेज वे प्रोटीन का रिव्यू, और मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप अगर बिगिनर हो तब भी आप इसे ले सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गैस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, सेम आईडी है आरजे फिटनेस के नाम से, और जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो आप। और बस यही था आज के वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय बाय।